हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 12 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है गट बैक्टीरिया के बारे में। क्या है गट बैक्टीरिया, पहले वो देख लेते हैं। देखो, हमारे पेट में यानी हमारे स्टोमक में काफ़ी तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में या फूड को पचाने में काफ़ी बड़ा योगदान है वो निभाते हैं। तो उन्हीं बैक्टीरिया को कहा जाता है गट बैक्टीरिया। यूपीएससी पूछ सकती है कि ये गट बैक्टीरिया कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, बेकार होते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और हमारे शरीर के या पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में इनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है। लगभग ये 300 से 500 प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत तरह की डाइवर्सिटी होती है। और हमारे स्टोमक में लगभग 2 मिलियन के आसपास तरह के, ये हम बात करें तो ये पाए जाते हैं, बहुत काफ़ी मात्रा में ये शरीर में पाए जाते हैं। काम क्या है इनका? इनका काम यह है कि हमारे स्टोमक में जो भी खाना या खाने पीने की चीज़ आती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम है वो इन बैक्टीरियाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ या कंटेक्स्ट वो क्या है। देखो, न्यूज़ ये आई है कि जो भी जंक फूड खाते हैं यानी फास्ट फूड होता है वो क्या करता है कि जो गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी होती है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग 300 से 500 टाइप के गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को कम कर देता है। या हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो गट बैक्टीरिया 300 से 500 टाइप के जाते हैं, इनकी संख्या, इनका बोले कि इनकी डाइवर्सिटी कम हो जाती है। यानी कि जब हम जंक फूड वगैरह खाते हैं तो इनकी डाइवर्सिटी, आप ये बोल सकते हो कि 200 से 300 टाइप के बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पेट में, हमारे शरीर में खाना ढंग से नहीं पच पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस स्टडी के द्वारा पता चला कि भाई जंक फूड है वो गट बैक्टीरिया को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पहले गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। इसके बारे में 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आइए कि जो जंक फूड है इसको रेगुलेट किया जा सके, ताकि हमारे देश में जो बच्चे आज के टाइम पर ज़्यादा जंक फूड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उनको रोका जा सके, और हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है कि जंक फूड खाने की वजह से भी माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है, इनको काउंटर है वो किया जा सके। तो अभी क्या हुआ, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसी को एफएसएसएआई ने मतलब संज्ञान में लिया और उसके बाद ये गाइडलाइन जारी की गई है कि भाई जो भी स्कूली एरिया है, यानी कोई भी स्कूल है या कोई भी जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटी स्कूल, आप किसी भी तरह के स्कूल्स मान सकते हो, मदरसा वगैरह, उनमें जंक फूड है वो नहीं बिक पाएगा। और इवन स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहर भी जो 50 मीटर की रेंज है या 50 मीटर का दायरा है, जैसे कि ये स्कूल है तो इसके बाहर 50 मीटर की रेडियस में भी कोई तरह का जंक फूड है वो बिकना अलाउ नहीं है। इसी के साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ बच्चों की जो टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं वहाँ पे भी किसी तरीके का फैट का, शुगर का, मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनका प्रचार प्रसार नहीं करना है, ताकि बच्चे हैं वो इन चीज़ों की तरफ अग्रसर हो रहे, इन चीज़ों को खाएं। मतलब साफ है कि एफएसएसएआई ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि भाई बच्चों को फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे दूर रखना है। स्कूल चिल्ड्रंस की जो बुक्स वगैरह होती हैं, नोटबुक वगैरह होगी, इनके ऊपर भी किसी भी तरीके का जंक फूड टाइप का कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको लेके कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो यह सारा कंटेक्स्ट और न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे कवर है वो की है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेके अप्रूवल है वो दिया है। तो ये जो फंड है वो बनाया जाएगा 25,000 करोड़ रुपीज़ का। और इस फंड को क्यों बनाया जा रहा है वो हम देखते हैं। और क्या है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? देखो, आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये म्यूचुअल फंड से अलग होता है, यानी जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अलग होते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो अलग होते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में मेनली होता क्या है कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन होता है कि भाई किस पर्पज़ के लिए इस फंड को बनाया गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपीज़ का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाने की बात की है, ये जो फंड है ये हमारे देश में रियल इस्टेट सेक्टर के लिए हेल्पफुल है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे सेक्टर में, आपको हमारे देश में आजकल रियल इस्टेट सेक्टर में थोड़ी मंदी चल रही है, मतलब मार्केट काफ़ी डाउन है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई इसको बूस्ट किया जा सके, और इसके लिए देखो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं रियल इस्टेट सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में वो अटकी हुई हैं, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो लोगों के पास पैसा है नहीं और जो बिल्डर्स हैं उनके पास भी पैसा खत्म हो रखा है। तो इसके लिए फंड बनाया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें क्या होगा, 10,000 करोड़ रुपीज़ हैं वो तो गवर्नमेंट खुद देगी अपनी तरफ से, बाकी जो 15,000 करोड़ रुपीज़ बचे हैं वो एसबीआई बैंक और जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो दोनों प्रोवाइड करेंगे अपनी सहमति से, भाई कितना कितना
इसी के साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया जाएगा कि वो भी अपने अकॉर्डिंग इस फंड में पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हीं के मुताबिक उनको रिटर्न प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। अब देखो कौन कौन से तीन टाइप होते हैं, क्या डिफरेंस है, इतना डीपली यूपीएससी नहीं पूछेगी, बस इतना देख लेना कि जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 25,000 करोड़ रुपये का, मतलब कि रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो लटके हुए हैं पहले के उनको वापस से स्टार्ट किया जा सके, जो मिडिल इनकम हाउसिंग मतलब आम आदमी की जिनकी एक्सेस होती है उनके लिए जो फंड बनाया गया है वो सेकेंड टाइप का है। जो तीन टाइप के होते हैं ना, कैटेगरी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो उसमें कैटेगरी सेकेंड जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो बनाया गया है ये 25,000 करोड़ रुपीज़ का। और ये रजिस्टर कहाँ पर होगा, ये रजिस्टर होगा सेबी, सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसी के साथ इसको मैनेज है वो किया जाएगा SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर होगा, ये इसको मॉनिटर है रेगुलेट है वो करेगी। तो ये कुछ फैक्ट हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, तो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है जीरो कार्बन बिल के बारे में या जीरो कार्बन एक्ट। देखो न्यूजीलैंड है वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने जीरो कार्बन बिल को भी पास है वो किया है, तो जीरो कार्बन एक्ट वहां पे बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया है, देखो न्यूजीलैंड है वो आपको पता है एक आइलैंड टाइप की कंट्री है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मामले को सीरियस लेती है। इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं या जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी गैस वगैरह हैं जैसे कि CO2 अमोनिया वगैरह, इनको रोका जा सके। और इसी के लिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जीरो कार्बन बिल को पास कर दिया है। टारगेट इसका ये रखा गया है कि 2025 तक न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो ओवरऑल कंट्री के हिसाब से जीरो हो जाएगा, मतलब कार्बन न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर करने के लिए 2050 तक न्यूजीलैंड के द्वारा ये बिल है या ये जो एक्ट है वो पास किया गया है। इसमें देखो किसानों को थोड़ी छूट वगैरह दी गई है, क्योंकि देखो किसान वगैरह होते हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं अपना सकते कि उनको आप बोलो कि वो आप जीरो कार्बन को जो जीरो कार्बन है वो एमिट करो या फिर आप जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनका एमिशन जीरो कर दो, क्योंकि किसानों के लिए किसान अपने पास जानवर वगैरह रखते हैं अपनी आजीविका वगैरह के लिए, तो उनको यहाँ पे छूट है वो दी गई है। इसी के साथ ही ये ध्यान रखना कि जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं इसमें अमोनिया है इन सब को काउंट किया गया है, बस मीथेन को छोड़ा गया है। मीथेन को इस मेथड में आप बोलोगे कि इस जीरो कार्बन बिल में काउंट है वो नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि जो मीथेन जो गैस है वो एनिमल्स के द्वारा रिड्यूस की मतलब प्रोड्यूस की जाती है, तो मीथेन का इसमें टारगेट अलग से रखा गया है कि भाई मीथेन को 2050 तक हम नेट जीरो तो नहीं कर पाएंगे, बट इसको धीरे धीरे हम जितना कम हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि जीरो तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये टारगेट रखा गया है कि मीथेन जो एमिशन है वो 2030 तक वो 10% कम करेंगे आज के मुताबिक। जैसे आज ये मान लो कि वहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में मीथेन का कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है, तो उसको 2030 तक वो 10% पे लेके आएंगे। इसके बाद में 2050 तक उनका टारगेट रहेगा कि इसको 5% तक ला के रखा जा सके। इस तरीके के टारगेट हैं वो रखे हैं न्यूजीलैंड ने, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पहली बार एक ऐसा एक्ट है वो पारित किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में, तो एथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। देखो तो पहले तो एथेनॉल के बारे में जान लेते हैं कि एथेनॉल है क्या। एथेनॉल है वो एक वोलेटाइल फ्लेमेबल और इसी के साथ ही कलरलेस लिक्विड है, मतलब कलर होता नहीं, रंगहीन लिक्विड है जिसे पानी होता है उसकी तरह। फ्लेमेबल का मतलब होता है कि ज्वलनशील, जिसमें आग है वो लग जाती है। और वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जो मतलब हवा में वेपराइजेशन या उड़ जाता है, जिस तरीके से आपको पता है कि पेट्रोल होता है वो क्या होता है, अगर उसको आप खुले में रखोगे तो वो मतलब धीरे धीरे उड़ने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल। अब देखो इसके बारे में न्यूज़ क्या है वो हम देखते हैं, और जो जो बेसिक फैक्ट है उनको हम एक एक को कवर यहाँ पे करेंगे। देखो जो एथेनॉल है वो जो भी खाने पीने की चीज़ होती है जैसे कि शुगर हुई या सॉरी शुगर केन हुआ यानी गन्ना हुआ, इनसे मेनली प्रोड्यूस किया जाता है। और आपको बता दूं कि जब जो गन्ने का रस यानी जो शुगर केन का रस होता है इसको जब हम गर्म करते हैं चीनी वगैरह में प्रोड्यूस करने, चीनी वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब इसको कन्वर्ट करते हैं गर्म करते हैं तो इस दौरान एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ बनता है, उसको बोला जाता है मोलासेस। ये आप ध्यान रखना कि जब गन्ने का जो रस होता है इसको गर्म करते हैं तब क्या पदार्थ बनना है, मोलासेस, या इसको हम बोलते हैं ब्लैक ट्रिकल। ये आपको ध्यान में रखें, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जब हम शुगर केन इंडस्ट्री में मतलब गन्ने के रस को रिफाइन है वो करते हैं शुगर में कन्वर्ट करने के दौरान। तो देखो जो मोलासिस होता है ना ये तीन टाइप का होता है, एक तो होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी।
तो हमारे देश में जो अभी तक एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता था ना, इवन आप बोल सकते हो लास्ट ईयर तक, वो प्रोड्यूस किया जाता था मोलेसिस सी वाले टाइप से। अब देखो हुआ क्या कि हमारे देश में आपको पता है गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसी लेके आती है, कि जैसे एक पॉलिसी आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, कि भाई हमें एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट है वो बायोफ्यूल को भी प्रमोट कर रही है। इसी के साथ हम जानते हैं कि पेट्रोल और जो डीजल होते हैं इनमें भी एथेनॉल की मिक्सिंग और ब्लेंडिंग की जाती है, ताकि जो पेट्रोल और डीजल की एफिशिएंसी है वो बढ़े और इंजन वगैरह हैं जो गाड़ियों के वो स्मूथली काम करें, और उनमें जो एमिशंस होते हैं खतरनाक गैसों के उनको कंट्रोल है, वो काउंटर है, वो कंट्रोल का जा सकें। तो इसका मतलब एथेनॉल का बहुत बड़ा योगदान है वो रह जाता है। अब दिक्कत क्या होती है, जब जो सी टाइप के मोलसिस से जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है ना, वो हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल में मिलाने वाला एथेनॉल है ना, इसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता। मतलब कि इससे जितना एथेनॉल प्रोड्यूस होता है मोलेसिस सी टाइप वाले मेथड से, वो काफ़ी कम होता है, और वो हमारे देश की जो डिमांड है कि भाई इतना एथेनॉल हमें कम से कम चाहिए पेट्रोल डीजल में मिक्स करने के लिए, वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 थी ना, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए और ये प्रावधान किया कि भी आप मोलेसिस जो बी है ना, इससे भी बायोफ्यूल का हम बात करें कि एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, जो एथेनॉल की डिमांड हमारे देश में बढ़ती जा रही थी, इसको हम रोक सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एथेनॉल की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बी टाइप के मोलेसिस से भी हम एथेनॉल को प्रोड्यूस है वो कर पाएंगे, तो इसका बेनिफिट ये रह जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो ए टाइप का एथेनॉल है, वो जो खाने पीने की जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि शुगर, मतलब शुगर केन वगैरह हुआ, या इसके साथ ही और भी जो स्टार्च वगैरह हुआ, चुकंदर वगैरह, इनसे डायरेक्टली बनाया प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी बी और सी टाइप के बारे में इतना देखो कॉम्प्लेक्स यूपीएससी मेनली पूछती नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में एथेनॉल है वो मोलासिस से जनरेट किया जाता है। और मोलासिस क्या होता है, जब शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर केन के रस को आप भी उबालोगे या बॉयल करोगे, तो उस दौरान जो प्रोसेस होती है उसमें एक चिपचिपा काले रंग का पदार्थ बनता है, जिसको मोलासिस के नाम से जाना जाता है। बाकी मैंने आपको बताया कि एथेनॉल है, इसको इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, और जो बायोफ्यूल या हम बात करें पेट्रोल डीजल में इसको मिक्स किया जाता है, ताकि जो एफिशिएंसी है इंजन्स की वो बढ़े, और जो एमिशन है कार्बन एमिशन इसको रोका जा सके। और इसको मेनली मोटर फ्यूल के तौर पे हम यूज करते हैं, तो इसे बायोफ्यूल एडिक्टिव या गैसोलिन के नाम से भी आप जान सकते हो। तो ये थी एथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में कुछ फैक्ट थे जो कि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंड एआईआर के बारे में, इंड एयर। देखो इंड एयर का मतलब है, फुल फॉर्म यहाँ पे हुआ है इंडियन एयर क्वालिटी स्टडीज इंटरेक्टिव रिपोजिटरी। अब नाम से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, अगर खैर नहीं आया है तो हम समझते हैं। देखो अभी तक हमारे देश में एयर क्वालिटी को लेकर काफ़ी सारी स्टडी है, रिसर्च हुई है, बट उनको एक आप ये बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म वे में कहीं नहीं रखा गया है, ना ही उनको प्रॉपर कोई डाटा है गवर्नमेंट के पास कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में सारा डाटा हो, ताकि जब भी कोई फ्यूचर में कोई स्टडी की जा सके तो वहाँ से पता चले कि भाई अभी तक इतनी इतनी तो स्टडी हो गई है एयर क्वालिटी को लेके, और अभी इतनी इतनी आगे और रिसर्च कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन ने कोई भी एयर क्वालिटी को लेकर स्टडी की, फिर बाद में कुछ टाइम बाद पता चलता है कि भाई ये स्टडी तो पहले ही हो चुकी थी, तो मतलब उस पर्सन का तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इसके लिए एक पोर्टल है, एक रिपोजिटरी बनाई जा रही है ऑनलाइन। इसमें क्या होगा कि आज तक हमारे देश में जितनी भी एयर क्वालिटी को लेकर स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, उनका सभी का डाटा रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई स्टडी करे वो पुराने डाटा का अगर यूज करना चाहे, उसको कोई भी जरूरत हो तो उस डाटा को यूज कर सकें। तो इसमें लगभग 1905 से लेके और आज के टाइम तक जितनी भी हमारे देश में एयर क्वालिटी को लेके स्टडीज आई हैं, सारी स्टडीज को एक जगह रखा जाएगा। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, यह काम किया जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR नेर। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा इस प्रोग्राम को अंजाम है वो दिया जा रहा है। काम क्या है, मिर्जा मैंने आपको बताया कि इसका एम है, इस प्रोजेक्ट का वही है कि हमारे देश में जो एयर क्वालिटी रिसर्च हुई है अभी तक, उसका डाटा सभी लोगों को या आम जनता तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, और वहाँ पे सारी स्टडी रिसर्च है वो रहेंगी एक वेब फॉर्मेट में, जैसे कि जिस भी रिसर्च को, जिस भी एकेडमिक्स पर्सन को जरूरत होगी, मीडिया वगैरह को, वो वहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सकता है। तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्ड रहेगा ये पहली बार गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एयर पोल्यूशन के एरिया में हम अच्छी सी और ज़्यादा रिसर्च हैं और उसको बूस्ट कर सकें। अब हम थोड़ा देख लेते हैं NWERI के बारे में भी। देखो तो जो NWERI है ये बेसिकली सपोर्ट प्राप्त करती है और भी काफ़ सारे इंस्टीट्यूट से इस मामले में स्टडी रिसर्च वगैरह के लिए, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यहाँ से भी इसको सपोर्ट मिलेगा।
ताकि एयर क्वालिटी डाटा का अच्छे से यूटिलाइजेशन वो किया जा सके। इसी के साथ ही भाभा एटोमिक रिसर्च जो सेंटर है उसके द्वारा भी डाटा मिलेगा। अब आप बोल सकते हो कि मतलब प्रयास हैं वो किए जाएंगे, और जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी डाटा प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। और भी तरह के कई इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि टेरी एक रिसर्च फाउंडेशन है, थिंक टैंक है, वो डाटा प्रोवाइड करवाएगा। इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन या सपोर्ट देगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी यहाँ एक पार्टनर के तौर पे काम है वो करने वाला है। एक छोटा सा फैक्ट आपके ध्यान में रखना कि हमारे देश में जो एयर पोल्यूशन को लेकर पहली स्टडी थी वो बंगाल में की गई थी 1905 में, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे, या जो हम बात करें ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे हमारे देश में पहली स्टडी वो की गई थी 1905 में बंगाल में पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए। बाकी देखो जैसे कुछ फैक्ट दिया गया कि दिल्ली एनसीआर में अभी तक 262 के आसपास एयर पोल्यूशन की स्टडी है वो की गई हैं। काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जिनको सारे डाटा यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वे में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखते हैं कि नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये क्या है। देखो यह बेसिकली CSIR के अंडर ही आता है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसी के अंडर ही आता है ये इंस्टीट्यूट नेरी। इसका काम क्या है? इसका काम देखो हमारे देश में यह है, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर है या जो सेंटर है वो है नागपुर में। 1958 में इसको स्थापित किया गया था नेरियो, और इसका फोकस रहता है कि वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, इसी के साथ ही जो यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं इनसे कैसे काउंटर करना है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसे कैसे रोकना है, किस तरीके से डिजीज फैलती है उन्हें रोकना है पोल्यूशन वगैरह से, हमारे देश में स्टडी वगैरह करने का काम इस नेरी के द्वारा किया जाता है। देखो काफ़ी सारी लेबोरेटरी हैं CSIR की, और उनमें से कुछ लेबोरेटरी है वो नेरी के अंडर आती हैं, तो नेरी उनको मॉनिटर करता है। और जो नेरी है वो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है, और CSIR भी हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही काम है वो करता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है HS कोड के बारे में। क्या है HS कोड वो हम देख लेते हैं। देखो HS का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम कोड। देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसकी इंटरनेशनल मार्केट में अगर उसे बेचा है खरीदा जाता है तो उसका एक यूनिक कोड होता है, और जब हम सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस दौरान उसी कोड को स्कैन करके उसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मान लो कि इंडिया है वो चाय को एक्सपोर्ट कर रहा है, एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया टी का एक्सपोर्ट है वो कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो बैग है टी का उस पर टी वर्ड लिखा रहेगा, उस पर एक कोड रहेगा। और जो HS कोड होता है ये 6 डिजिट का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उस कोड से आप मतलब उस कोड को अगर आप देखोगे तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो कोड है ये इस प्रोडक्ट का है, यानी कि वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि दार्जिलिंग टी है, केवल जो कोड लिखा रहेगा 6 डिजिट का जो भी है XYZ123 वगैरह जो भी, उस कोड को स्कैन किया जाएगा और उससे फिर पता चलेगा कि ये कोड है वो किस चीज़ का है, प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे नॉर्मली मेंशन नहीं होता है। और ये जो कोड है वो दिया जाता है या डेवलप किया जाता है वो है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हर प्रोडक्ट का एक अलग से यूनिक कोड है वो डिसाइड हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि भाई एक कंट्री अलग कोड रखे दूसरे अलग रखे, हर प्रोडक्ट का एक अलग से आपस में यूनिक कोड है वो होता है। तो अभी न्यूज़ ये आई है कि हमारे देश में जो खादी प्रोड्यूस की जाती है, जो आपको पता है कपास कॉटन से बनाई जाती है, उसको भी HS कोड है, एक अलग से सेपरेट टैग है वो कोड है वो प्रोवाइड करवाया जा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारे देश में ये जो काम है वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने हमारे देश में जो खादी प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए एक अलग से कोड बनाया है, उसका नाम मतलब वो जो कोड है उसको यहाँ पे HS कोड बोला गया है, और वो अलग कोड गया कितने नंबर्स वगैरह हैं वो आपको मैंने बता दिए कि 6 डिजिट का यह कोड है वो होता है। अब मतलब जब भी इंडिया इसको एक्सपोर्ट करेगा तो उस कोड के थ्रू स्कैन किया जाएगा कि हाँ भाई इंडिया ने इतना खादी है वो एक्सपोर्ट कर दी है। तो एक तो इससे इंडिया में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि हाँ भाई इंडिया ने इतनी खादी एक्सपोर्ट की है, इतना प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया है, जैसे मान लो कि इंडिया खादी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि कुछ कपड़ा इंडिया कॉटन का बाहर से भी इंपोर्ट कर रहा हो, तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि इंडिया ने इतना सामान बाहर भेजा है, इतना यही सामान है वो इंडिया में आया है। इसी के साथ आपको और बताऊं तो इन्फॉर्मेशन हाँ यहाँ पे ये दी गई है कि जो कस्टम अथॉरिटीज होती हैं, जो स्टैटिकल्स एजेंसीज होती हैं, वो इसी कोड का यूज़ करते हुए हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सामान का उसको रेगुलेट करती हैं, क्योंकि इस कोड से पता चल जाता है कि हमारे देश में अब तक कितना सामान तो आ गया है, कितना सामान हमने यहाँ से बाहर भेजा है, तो उसी के आधार पर गवर्नमेंट है वो नॉन टेरिफ बैरियर की भाई इस प्रोडक्ट को कितना तो हमें खरीदना है, कितना हमें बेचना है, लिमिट पूरी हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कंट्रोल है वो की जाती हैं। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो आज़ादी का टाइम था उस दौरान महात्मा गांधी जी ने खादी का काफ़ी बड़ा प्रचार प्रसार किया था,
तो खादी हमारे देश की एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक आप बोल सकते हो कि आइकन है, वो बन जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट खादी के एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी करने का प्रयास है वो करती है। तो ये कुछ HS कोड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ऑपरेशन माँ। देखो ऑपरेशन माँ है वो इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था, और इसका टारगेट ये रखा गया था कि हमारे देश में जो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी यूथ हैं वो अपने परिवार से भटककर उन्होंने अगर मिलिटेंट ग्रुप को या आतंकी संगठन को ज्वाइन किया है तो उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, और अपने माँ बाप या बोल सकते हो कि अपने परिवार से उन्हें कनेक्ट है वो किया जा सके, इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन माँ है वो चलाया। तो इससे अभी तक हमारे देश में लगभग 50 के आसपास ऐसे यूथ हैं जम्मू एंड कश्मीर में मेनली, जिनको मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया गया है सोसाइटी में, ताकि वो अपने जो भी टेररिस्ट ग्रुप में काम कर रहे थे वहाँ से वो हटके मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हैं वो हो गए हैं। तो एक तरीके का यह ह्यूमन ऑपरेशन है, चला है कहाँ पे गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये UPSC पूछ सकती है किसके द्वारा, इंडियन आर्मी की जो चिनार क्रॉप ग्रुप है उसके द्वारा इस ऑपरेशन को या इस को अंजाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल हाईवे 766 के बारे हम देख लेते हैं। देखो तो पहली बात, ये हाईवे कहाँ से गुजरता है, तो ये एक बार हम यहाँ देखते हैं मैपिंग में। देखो ये आपको दिखा दूँ, ये एक सेकंड बॉर्डर है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हिस्सा ये है कर्नाटका का, ये यहाँ पे है केरला का हिस्सा, और ये यहाँ पे इधर वाला हिस्सा ये है तमिलनाडु। तो अब आपको समझ में आएगा कि इनके ट्राई जंक्शन पे कौन सा नेशनल पार्क है, वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। अब देखो इससे ये क्रॉस होता है, ये जो आपको नेशनल हाईवे दिख रहा है ना यहाँ पे, जो सड़क दिख रही है ये है 766 नेशनल हाईवे। तो देखो इस हाईवे को क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा रात के टाइम पे बंद कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज है वो वाइडली किया जाता है, काफ़ी सारे जानवरों की कई बार क्या है कि रात को जब गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है इस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए और रात को जो जानवरों फ्रीली घूम सकें इसके लिए रात के समय इस हाईवे को नेशनल हाईवे को बंद है वो कर दिया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि केरला गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट डाली सेंट्रल से कि भाई आप इसको ओपन कीजिए क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और मेनली जो हम बात करें केरला का एक वायनाड वाला हिस्सा है यहाँ पे, उस हिस्से में जो कनेक्टिविटी है वो यही हाईवे प्रोवाइड करवाता है, तो इसीलिए केरला को ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है कि एक तो है कहाँ पे। देखो तो जो नेशनल हाईवे काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ना, UPSC उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा पूछती है, सारे हाईवे हमें रखने की ज़रूरत है वो नहीं होती है। तो साउदर्न इंडिया में है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, यह कनेक्ट करता है कोझिकोड जो कि केरला में है उसको कर्नाटका से कोलेगल में, और मैसूर से होते हुए हाईवे जाता है। इसकी लेंथ है वो है 272 किलोमीटर, 117 किलोमीटर यह केरला में फैला हुआ है और 155 किलोमीटर यह कर्नाटका में है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी नेशनल हाईवे 766 के बारे में। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।